हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है और मैं यहाँ पे आज न्यू रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ में। कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है और मैं यहाँ पे ली हूँ सरसों का ऑयल। आप जब भी ये रेसिपी बनाइए तो सरसों का तेल ही यूज करिए। और मैं यहाँ पे ली हूँ विनेगर, जो गन्ने वाला विनेगर आता है लाल वाला, उसको ली हूँ। और विनेगर मेरे घर का ही है, मैं गाँव गई थी तो लेके आई थी। अभी मैं आ गई हूँ जहाँ पे रहती हूँ। और तेल मेरा गर्म हो गया था तो पंचफोड़न मैं इसमें डाल दी हूँ। और पंचफोड़न में ली हूँ धनिया है, जीरा है, अजवाइन, मेथी, मंगरेल। तो इसको भूज लूँगी, लाल हो जाएगा। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी आम। आम को मैंने मार्केट से लेके उसको धुल के एक दिन सुखा ली थी धूप में और उसका पानी सूख गया है। और जब ये वाली रेसिपी बनाइए आप लोग ना, तो पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। और आम मेरा देख सकते हैं एकदम अच्छे से सूख गया है, तो मैं इसको डाल दूँगी और साथ में मिर्ची भी डाल के भून दूँगी। अच्छे से इसको भून देना है। और इधर मेरे हस्बैंड आ गए हैं, बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे बात करती जा रही हूँ और अपना काम भी करती जा रही हूँ। कैमरे के सामने नहीं आते हैं, कैमरा देख के तो लगता है मेरे घर वालों को ना बहुत बड़ी चीज़ है कैमरा, और मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे प्रिया भी पानी लेने के लिए आ गई थी और मैं एक महीने के लिए गांव चली गई थी ना, समझिए एक महीने में मेरा बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसान हुआ। मेरा काम भी एक महीने रुका रहा। गांव में तो नेट ही नहीं चलता था, और नेट नहीं चलता था तो इसलिए मैंने गांव की वीडियो भी नहीं शूट की। और फिर इसमें डाल देंगे विनेगर। विनेगर मैं पूरा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा डालूँगी, जितने मैं ये आम और मिर्ची अच्छे से डूब जाए उतना ही डालूँगी। और फिर अलग से मैं लहसुन भी ऐसे तल के रखी हुई हूँ, तल के क्या थोड़ा सा फ्राई करके रखी हुई हूँ, उसको भी मिला दूँगी बाद में। और वो दूसरे डिब्बा में है, तो आम और मिर्ची नहीं डाला था, तो मैं सोची कि चलो आप लोग के साथ में शेयर भी कर दूँगी और मेरा सिरका भी बन जाएगा। और फिर एक उबाल आ जाएगा इसमें, तो मैं इसमें बाद में नमक ऐड कर दूँगी। ये जो सिरका है ना, तुअर की दाल में जब डाल के खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है ना कि एसिडिटी के लिए बहुत फ़ायदा करता है। तो एक साइड में रख लेंगे। और ये गुड़िया आ गई है और आ जाएगी कैमरे के सामने, बोलेगी मम्मा मुझे निकाल देना निकाल देना, क्योंकि उसके फ्रेंड लोग भी देखती हैं ना, तो थोड़ा सा शर्माती है। और मैं यहाँ पे पहले तो इडली बनाने के लिए मैं फुलाई थी कि बच्चे बोल रहे थे इडली बना दो, हस्बैंड भी बोल रहे थे, तो मैं फुला दी थी और सुबह ही फुलाई थी। तो इसको धुल के पीस लूँगी, लेकिन जब पीसने चली ना तो मेरा जो मिक्सर का जार होता है वही ख़राब हो गया। जब मैं गांव गई थी तो पीस उस के गई थी तब नहीं पता चल रहा था, लेकिन आज आई ना तो फिर उसको जब यूज करने लगी तो पता चला कि वो ये तो मिक्सर का जार भी ख़राब है। तो पिसवा ली थी, लेकिन वही है कि काम तो बढ़ गया। और मैं यहाँ पर नमक भी ऐड कर देती हूँ। अब मेरे मिक्सर का तीन जार है ना, तीनों ऐसे ख़राब हो गए हैं। पहले तो छोटा वाला ख़राब हुआ, और छोटा वाला ख़राब हुआ तो फिर बड़ा वाला भी ख़राब हो गया। और जैसे तीनों में से एक भी बना रहता है तो काम चलता रहता है, मुझे तीनों बनवाना पड़ेगा। एक तो बीच वाला जो है ना, उसमें दो ही पत्ती है, वो तो नहीं ख़राब है, दो पत्ती है तो ज़्यादा उतनी अच्छे से पीसता नहीं है ना, काटता नहीं है, तो इसलिए मैं उसको निकाली ही नहीं। बस एक बड़ा वाला निकाली थी और एक सबसे छोटा जो है वो निकाली थी। तो छोटा वाला तो ख़राब ही ख़राब, क्या उसको भी बनवाना पड़ेगा। और ये बड़ा वाला है तो देखिए, मैं सोची कि लाओ जल्दी से पीस लूँ, तो जल्दी का काम जो होता है ना और लेट हो जाता है। अपना सोचा कभी होता ही नहीं है कि जल्दी हम फटाफट काम कर लें और फुर्सत में हो जाए। और जैसे ही इसमें पानी डाली ना, पूरा मिक्सर भी भीग गया और स्लैब पे भी इधर उधर फैल गया, पूरे किचन में पानी पानी हो गया, एकदम पूरा किचन मेरा गीला हो गया, शाम तक नहीं सूखा था। और उसमें आ रहे थे ना तो पैर फिसल रहा था, फिर मैं वाइपर से काच तो दी लेकिन उतने अच्छे से सूखा नहीं था। ये देखिए, ये इसमें अटक भी गया और फिर निकालने के बाद एकदम पानी एकदम निकल रहा था।
और आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मुझे फुल सपोर्ट करिएगा। आप लोग को जैसी वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं रिक्वेस्टेड भी वीडियो बनाऊंगी, थोड़ा बहुत बनाऊंगी जो मुझे कंफर्टेबल लगेगा उसको बना दिया करूंगी। और इस वीडियो को मैं आज ही अपलोड करूंगी, मैं वॉइस डाल रही हूं, इसके बाद फिर इसको अपलोड करूंगी। 12:30 बजे के पहले ही मेरी वीडियो चली जाएगी और मैं कोशिश करूंगी कि एक दिन में 2 वीडियो डालूंगी और अगर 2 नहीं गई तो 1 ज़रूर डालूंगी और मेरी वीडियो पर डे जाएगी। और जब मेरा सिरका ठंडा हो जाएगा ना तो मैं इसी डिब्बे में भर के रख दूँगी। और अभी हो गया है सुबह का टाइम, मैं वही उतना करके ना फिर उसके बाद कोई भी वीडियो नहीं शूट की। और रात वाली वीडियो मैं बहुत कम शूट करती हूँ क्योंकि रात की जो वीडियो होती है ना उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है और मेरे किचन में एक ही बल्ब है तो लाइट की वजह से ना थोड़ा सा अच्छी वीडियो नहीं बन पाती है जैसे चाहिए। तो सुबह हो गई है और मैं यहाँ पे किचन को साफ़ कर लूँगी, सुबह का है तो देखिए रात में तो हम साफ़ करके सोते नहीं हैं, यहाँ पे नहीं सोते हैं लेकिन रात में जब साफ़ किए रहते हैं ना तो अच्छा रहता है। और मैं भी सोच रही हूँ ना कि सारा काम जो है रात का ही करके रखूँगी, जैसे रात में वीडियो नहीं बनाते हैं तो ये सारे काम रात में कर लिया करूँगी तो सुबह मुझे टाइम मिल जाएगा थोड़ा वीडियो शूट करने के लिए। तो किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं आगे वाले रूम का बेड बनाऊंगी, उसका जो बेड शीट है उसको भी छाऊंगी और झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी। यही सब मॉर्निंग का काम होता है, ये तो काम सबके यहाँ का होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही करती हूँ, सभी हाउसवाइफ करती हैं। और जो हाउसवाइफ मतलब हाउसवाइफ तो करती ही हैं लेकिन जो बाहर काम करती हैं तो अपना घर हाउस हेल्पर से साफ करा लेती हैं लेकिन सुबह का काम तो यही रहता है। और मैं यहाँ पे निकाल लूँगी सब्जी बनाने के लिए। अभी जो मेरा घर है ना वो थोड़ा सा फैला हुआ है, जो मैं कपड़े धुली थी उसको भी नहीं फोल्ड कर पाई हूँ और इधर जो बड़ी वाली टेबल है उस पर भी सामान रखा हुआ है और जो हम लोग बैग लेके आए थे कुछ तो यहाँ से हट गया, 3-4 बैग थे, एक बड़ा वाला बैग जो है यहीं पे पड़ा रहा, इसमें मेरे कपड़े हैं। तो इसको मैं सोच रही थी कि जब हटाऊँगी ना गोदरेज में अपना जो साड़ी वगैरह लेके आई हूँ गाँव में जो साड़ियाँ रखी होंगी, तो इस बार गांव की साड़ियाँ थोड़ी बहुत ले आई हूँ और जो यहाँ से लेके गई थी तो उसको रख के आई हूँ। तो 3-4 साड़ियाँ गांव से लेके आई हूँ तो उसको मैं डेली यूज में पहनूँगी। और जैसे वीडियो बनाते हैं तो साड़ी वगैरह पहनते रहते हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ले चलती हूँ। और यहाँ पे मैं बेडशीट को झाड़ के बिछा दी और ये ओढ़ने वाला चद्दर है तो इसको भी फोल्ड करके रख दूँगी।